तो हम न्यारे जंगल में पहुंच गए। बहुत ज्यादा अंधेरा और डेंजरस जंगल है, कृपया करके रात को यहाँ से ना चले, बहुत ही सही रहेगा आपके लिए। यहाँ बड़े बड़ों की प्रजाति है। पर यहाँ बन रही है एक दो यहाँ सबकी फट चुकी है नीचे से ऊपर तक है। नीचे के एक आदमी लेकर सो गए। क्यों भाई जी, क्या हुआ? बोलो बोलो, मैं चाकूंगा। पाँच सौ मिले देंगे तब। हाँ जी, मेरा तो दिहाड़े भी बोलते मुझे, तू बोले 500 दे मुझे। अरे कितने बारी शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। छोटे बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। आखिरकार हम पहुंच गए अनंतनाग के मंदिर में, जो बहुत ही ज्यादा टॉप में है। इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है और ये आपको नजारा बताते हम। और ऊपर ये श्रीखंड है, जैसे ये श्रीखंड है और एक मेन ऊपर है जो तीन काल देवी माता का मंदिर है। और हम नीचे बहुत डाउन से आए हैं, यहाँ पहुंचे हैं। बहुत खुश बंदे हैं यहाँ पे। तो हम पीछे का बताते हैं आपको, जो मंदिर पीछे हमारे पीछे मतलब रामपुर बुशहर बोलता है। यहाँ से मतलब आप शॉर्ट भी जा सकते हैं रामपुर के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से शॉर्ट रास्ते रामपुर सीधा है, देख सकते आप। यहाँ से सीधे जाओ आप, वायर टनल वगैरह सारा मिलते हैं यहाँ पे। हर एक साहब रोज जाओ, रामपुर जाओ, कहीं भी जाओ आप, यहाँ से शॉर्ट रास्ता है। और लगे हमारे परे और भूख नाने, और ये हमारे छोटे भाई फ्रीड। बस अब यहाँ पे साथ की तैयारी लगी है, कढ़ाई बिठा ली है, ये दूध निकाल रहे हैं, दूध निकाल रही है, भैया पूरी बनाएंगे। लकड़ी लाओ और इसके लिए। तो आज हम बताएंगे आपको कैसे मंदिर के लिए भोग भी चढ़ाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो जो हम कढ़ाई लगा दी है, आग जला रहे हैं, और ये हमारे महेंद्र भाई जी। आज बताएंगे हमारे मनाली वाले आटा गूंदने की रेसिपी, कैसे आटा गूंदा जाता है। और हमारे डिंपल भाई सीख रहे हैं अभी कैसे आटा गूंदा जाता है मनाली वाले से।
वाह क्या तरीका है, मानना पड़ेगा। एक नई चीज बताएंगे आपको पवन भाई कि कैसे नारियल को तोड़ा जाता है। ये वाह क्या जान है इन हाथों में, शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जोर ही नहीं लगा रहा, जोर ज्यादा ही लगा रहे। वाह क्या तरीका है इनका। पवन भाई बताएंगे कुछ, क्या लगता है आपको पानी है इसमें कि नहीं? इसमें बहुत ही ज्यादा पानी है इसमें तो। प्रवीण भाई क्या कर रहे हो आप, बताएंगे कुछ आप? भंडे धो रहे हैं जी, आप हम साथ किए जा रहे हैं। ये तरीका होता है काम करने का, गेम को मिल रहा है ना। वाह क्या तरीका है, मानी को चला बताते हैं आपको। यहाँ पे हमारे आटे गूंदने की रेसिपी तैयार चली है भाई, पानी देने में भरपूर साथ दे रहे हैं। डिंपल भाई बताएंगे कुछ, क्या ढूंढ रहे हैं आप इस थैली? वाह सब्जी निकाल रहे हैं, मटर छीलने की रेसिपी भी बताएंगे आपको कुछ देर बाद। ये कुछ अलग ही हो रहा है यहाँ पे तो, कुछ अलग ही हो रहा है देखने को, कुछ अलग ही हो रहा है। गाइज एक बार मंदिर के आसपास का व्यू देख लो गाइज, ओ भाई क्या ही तो व्यू है। ये बहुत बड़ा पहाड़ है, यहाँ सारे पहाड़ छोटे छोटे दिख रहे हैं, देख सकते गाइज आप। वाह जन्नत, एक तरफा जन्नत ही है गाइज यहाँ पे। यार कौन क्या है, वाह हमारे राणा जी, राणा जी वाह क्या तरीका है आपके पास, क्या कला है। हम कला के गुरु है। अच्छा यही है वो कला के गुरु भाई। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। साहिल जी आपके मटरा भी तक नहीं छिल पाए, क्या बात है। अरे इधर आलू छील रहे हैं, क्या तरीका है आलू छीलने का भी। और इसके बाद गाजर छीले जाएंगे। बीके दीवान जी कुछ कहेंगे आप, कैसा फील कर रहे हैं आप यहाँ पे आके? हाँ जी मामा जी फील ही कर रहा हूँ, फील ही ले रहे हैं, फील ही ले रहा हूँ। वाह क्या बात है, फील पे फील, मजा आ गया। यही तरीका होता है बचपन से लेकर अब बड़ा हो के आ रहा हूँ, किसी भी बात में मैं यहाँ पहुँचा, नहीं तो मैं चार बारी पहले यहाँ से वापस चले जाता। अब इसके पीछे क्या रीजन होगा गाइज आपने खुद सोच लेना। अपनी अपनी राय कमेंट में जरूर दें। क्यों हुआ होगा ऐसा, चार बार क्यों वापस हुए होगे, राय कमेंट में बता देना गाइज। वाह आटा गूंद भी लिया, वाह जी वाह क्या तरीका है। यही तरीका होता है पूरियां बनाने का। ये आटा है, ये हमारा तेल बार गर्म हो चुका है। हेलो सर थोड़ा सा बदलो पार बदलो से पता कतो रे पर कर पाबू कोई दिख रे बदल इसको काय को नहीं है। वाह भाई जी आप एक बार जल्दी से बताओ, आपको डर नहीं लगता क्या ये काटने? ये क्या, ये तो नर्वस ही रही है। वाह ये तो इनका डेली रूटीन है, ये तो इनका डेली रूटीन। सर शादी हो चुकी है आपकी? हो गया है, दो बच्चों के बाप है आखिरकार हमारे जगतू भाई। तो देख लो गाइस किस तरह से गरीब को काट रहे हैं, इनको एक्सपीरियंस है इस चीज का। घर में तो इनकी पत्नी धर्म पत्नी काम नहीं करती, बोला खुद ही करना पड़ता है। आखिरकार दो बच्चों के बाप है हमारे जगतू भाई। वाह क्या तरीका है, वाह क्या प्यार से करते हैं, क्या एक्सपीरियंस के साथ। देख लो इसको ढंग से ज़ूम करके, ओरा पानी ज़ूम करके प्यार कर। वाह इधर देखो गाइस, इधर तो अब कुछ और ही होने लग गया। वाह क्या स्पीड है ना, तुम्हें फुर्ती लगता है। ये भी घर में काम करते हैं? करते नहीं, इनकी धर्म पत्नी शायद इन्हीं से काम करवाते हैं।
गाय के बारे में सोच रहे हमारे दीपू भाई। हम प्याज काट चुके हैं, आपको पता है नीचे देखो सीधी से क्या काट दिया। ओ भाई ये पूरी बोलो काट ले, ये आगे कटेगा आगे। पर अच्छा आगे किनकी बारी है? पवनू भाई कुछ बताएंगे आपको ये लहसुन काटने का एक्सपीरियंस के बारे में? घर में भी ये इसी तरह से काम करते हैं? बोलते कि शादी करके कोई फायदा नहीं हो रहा है, खाना भी मुंह के पास नहीं मिल रहा है। बोला अब तो शायद आप सभी को यकीन हो ही चुका होगा कि इनका मुंबई में होटल था, मार खा के वापस आए हैं। ऐसा क्या हुआ था सर, बताएंगे आप? चीनी डाल दी एक बार, नमक की जगह चीनी डाल दी, दाल में मीठी दाल बना दी। सर आपने कुछ बहाना नहीं लगाया उसके वाह, इनको हर तरह का एक्सपीरियंस तो इनको है। मनाली वाले हैशटैग मनाली वाले कमेंट में लिख लेना गाइस। और हमारे पप्पू भाई, हेलो पप्पू भाई, क्या बताएंगे आपका स्टेटस? डाउन अब खत्म हो चुका है, डाल दिया किसने? डाल दिया जितने डालने थे दो तीन। अब क्या करना चाहोगे? कुछ नहीं खाना खाने की। यही है वो, इसका तो यही है। ये तो बस यही बहाना ढूंढ रहे कि कब तक खाना बनता और कब मैं ठूस लूं और थोड़ा सा उसके साथ पानी भी चूस लूं। हैशटैग जगतू भाई कमेंट में लिखना जरूर। कमेंट चाहिए सर आपके? आपको बता दूंगा हमारे जो ये है पप्पू भाई, इनका हमने कुछ टाइम पहले बड़े बुरे तरीके से काटा था, इतने गंदे तरीके से इनका मैंने काटा था, मुर्गा बनाया था इनका फोन पे। पवन भैया क्या आपका भी कभी काटा गया है? क्या आपको भी कभी JNU कंपनी से कॉल आया? मेरे को कभी नहीं आया जी, याद कीजिए शायद आया हो आपको। JNU कंपनी आपने शायद उसको पूरा नहीं किया इकट्ठा, कि वो JNU था क्या? क्या चीज थी JNU? वो थी JNU कंपनी। ये पवन नेट की कला नेट याद छेड़ने में मेरे असिस्टेंट से बात करो। असिस्टेंट इनके असिस्टेंट यहाँ पे हमारे योगी मुसाफिर जी, ये भी खिला देना चाह रहे हैं। ये एक इनकी आईज दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत दुख है मेरे को यहाँ बैठ काट के। माना कि ये ब्रेकअप करके मंदिर आए हैं आज नए प्यार की प्राप्ति के लिए, लगता है गुरुजी से ही बात करनी पड़ेगी। असिस्टेंट कुछ दुख में है, दुख भरे, मैं नहीं चाहता इनका दुख और आपको दिखाएं, शायद आप भी रो पड़े। सेक्रेटरी ये बहुत बिजी पर्सन है। ओके भाई, हेलो मिस्टर साहिल। ये हमारे साहिल लबाचिया जी इधर प्याज काट रहे हैं ये भी। सर आप अपने सेक्रेटरी की कुछ खासियत बताएंगे सर? पर दो इनको क्या तरीका है पूरी बनाने का? कब सर आपको एक्सपीरियंस इस चीज का कि आज नए नए लगे? पहली बार, फर्स्ट टाइम न्यू एक्सपीरियंस ले रहे हैं सर जी? आपको तो एक्सपीरियंस होगा पक्के में, आप हर बार धाम में बनाते क्या? होटल उटल था क्या सर? साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? गांव में जो इतने कार्य होते हैं सब में बनाते हैं, मतलब समाज सेवक है। फाइव स्टार ढाबा बीतू नाड़ी में संपर्क कर सकते कभी भी। और हमारे डिंपल भाई, ये क्या हो रहा है? क्या यही तरीका है? यही तरीका है बोला? कोई और तरीका नहीं मिला आपको? अगर आपको इनके हाथों में कुछ गलती महसूस हो रही हो तो कमेंट में जरूर बता देना कि कहां गलती हो रही है। वाह, ये सड़क कहां को जा रही सर आपकी? इधर से दो दो सड़कें जा रही है NH में। ये असली एक्सपीरियंस तो इनको है। वाह क्या बात है। किस तरीके से गोल की जा रही है पूरी बारीकी से, बढ़िया तरीके से। ये तरीका होता है पूरी बनाने का।
अभी अब जाएंगे ना गर्म इतनी देर ठीक है भाई वाह किस जब तरीके से बन रही है सर बताएंगे कुछ इस छेद डालने का लॉजिक इस गद को यार मान नहीं आखिरकार क्यों डाला आपने किस में डालते छेद यहाँ पे कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं मतलब कहा जाता है आपने देखा है कहीं अच्छा मतलब औरों को देखने के अनुसार ही चले उसने उसको उठाने के लिए ऐसी चीजें नहीं बनाई गई थी अच्छा हम डिंगी करते तो डिंगी से उठा लेते अरे कहना क्या चाहते हो डिंगी से उठाया करते थे सर ये डिंगी बताएंगे आप क्या चीज है डिंगी यही होगी डिंगी हमारे ओर से तो ये डिंगी होगी डिंगी देख ली गाइस आपने किस तरह की डिंगी आपकी लकड़ी के डिंगी के बारे में जानता हूँ अगर आपको डिंगी के बारे में कोई भी वो चाहिए तो इनसे संपर्क कीजिए ये बुझला ये उतना बड़ा तो रख ये तक